जो मैटर है वो हिंदी में भी आ गया है और इंग्लिश में भी आ गया, फिर भी जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी का काफी ठीक नहीं है। जैसे लक्ष्मीकांत है तो लक्ष्मीकांत में भी इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट किया तो किताब हिंदी वाली बहुत ही, यानी वो इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ती है और फिर हिंदी समझ में आती है। तो आप अगर हिंदी मीडियम लें और इंग्लिश मीडियम लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसा लिखते हैं उसका फर्क पड़ता है। मैंने कई टॉपर्स के मुंह से ये सुना है कि जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं उनका सिलेक्शन ही नहीं होता। अब पता नहीं ये लोग टॉपर होके इतना भ्रम कैसे फैलाते हैं और क्यों ऐसा बोलते हैं। अब उनकी बात हर कोई सुनता भी है, उनकी बात हर कोई सुनता है तो बात इम्पैक्ट भी डालती है ये बात। तो आप तो हिंदी मीडियम, अगर आपको हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी मीडियम लीजिए, अंग्रेजी मीडियम आपको ठीक लगे तो इंग्लिश मीडियम लीजिए, मगर जो कंटेंट है दोनों में अवेलेबल है। कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो केवल इंग्लिश में, तो आपको थोड़ा इंग्लिश पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें थोड़ा सा अच्छे लेवल की चीज़ें मिल जाती है, थोड़ा क्वालिटी वाइज मैटर बहुत अच्छा मिल जाता है। अब तो दोनों में ही मैटर आ गया है। आगे की बात करें, शुरुआती रणनीति मैंने बता दी आपको, सिलेबस उठा हुआ एनसीईआरटी और सिलेबस, सिलेबस को रोज देखो और एनसीईआरटी रोज देखो। एनसीईआरटी से जब तक आप 3 या 4 बार एनसीईआरटी को ना पढ़ लें तब तक आप नोट्स बनाने की गलती ना करें। वो नोट्स और नोट्स बनने चाहिए शॉर्ट में। अगर आपने जैसे एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ा है और वो चैप्टर 10 पेज का है, माना कि उसको पेज में तो बांधा नहीं जा सकता, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है उस पर बांधा जा सकता है, फिर भी मैं एक आइडिया माना कि 10 पेज का है। तो सर आप जितने शॉर्ट में नोट्स बना रहे हैं ना, यानी चीज उतनी ही ज्यादा आपको समझ में आई है। अब आपने वैसा का वैसा छाप दिया और नोट्स बना लिए तो आपकी मेहनत भी जाएगी और उसको लिखने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। नोट्स को बनाइए शॉर्ट में, आपको नोट्स 3-4 बार बनाने पड़ेंगे एक बार एक सब्जेक्ट के, पहले राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपके नोट्स चेंज होते चले जाएंगे और लास्ट में आपके जो नोट्स हैं जब रैंक आएगी, तो कब आएगी रैंक, रैंक तब आएगी जब एक सब्जेक्ट आपका 10 पेज 5 पेज में शॉर्ट में होगा, एग्जाम के पहले आप वही पढ़ेंगे। ये तरीका ही होता है तैयारी का, यही तरीका होता है। धीरे धीरे नोट शॉर्ट होते जाते हैं, आपके दिमाग में केवल कीवर्ड बचते हैं। सवाल कोई सा भी आओ, सवाल कोई सा भी आओ, उसमें आंसर आपको मसाला होता है वो आपके दिमाग में होता है, उससे आपको मसाला निकाल निकाल के चारों तरफ से और उसको आंसर को बनाना पड़ता है। वहीं पे एग्जाम हॉल में बनेगा, कोई रट के जाएंगे और वो वहां पे कुछ आप नया कर लेंगे ऐसा नहीं होगा। आपको वही आंसर वहीं पे निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन की जो मांग है डिमांड है उस आधार पर आपको आंसर देना पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस आपकी ज्यादा होगी उतना ही। सर प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की नहीं, प्रैक्टिस आपकी मेंटल लेवल पे पहले प्रिपरेशन की होनी चाहिए। कंसेप्ट शुड हैव टू बी क्लियर एट एनी कॉस्ट, यानी आपके कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, आपने रट्टे मार रखे हैं, आप क्वेश्चन की तह तक नहीं जा पाएंगे। गहराई में उतरिए, चीजों को कंपेरिजन में लीजिए, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कंपेयर कीजिए और लिंक बिठा के पढ़ाई कीजिए। जब हम पढ़ाते हैं, मैं मेरे क्लास में पढ़ाता हूँ तो ये सब लोग कहते भी हैं, इस बात की तारीफ भी करते हैं कि मैं एक, यानी पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो 9वें चैप्टर से भी उसको लिंक करता हूँ, 8वें से भी लिंक करता हूँ कहीं और से कोई चीज, क्योंकि पूरा सिलेबस आपको दिखना चाहिए कहीं पे। अब हो सकता है, आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। आप जब एग्जाम में जाएंगे तो कोई क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन का जब आंसर देंगे तो हो सकता है आपको 2 लाइनें आपके नोट्स के 7वें पेज से उठानी पड़े, 4 लाइनें आपके नोट्स के 64वें पेज से उठानी पड़े, 3 लाइनें आपके नोट्स के 150वें पेज से उठानी पड़े। यानी आपका जो इंटरडिसिप्लिनरी एक तरह का आंसर बनेगा वो जहां डिमांड के हिसाब से आपको, यानी आपके दिमाग में सब चीजें होनी चाहिए। इसलिए हम बहुत सारी चीजें तो याद नहीं रख सकते, हम शॉर्ट में चीजों को तैयार करें, यानी शॉर्ट में हम चीजों को नोट डाउन करें और हमारे दिमाग में उसका पूरा विस्तार, पूरी पृष्ठभूमि हमारे दिमाग में पहले से मौजूद हो। इसीलिए कहा जाता है कि एक आदमी के नोट्स दूसरे के काम नहीं आते, क्योंकि वो उसके हिसाब से ही बनाता है। तो आप नोट्स इस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसे ही नोट्स बनवाता हूँ बच्चों से, पहले मैं खुद बनवाता हूँ यानी मेरे नोट्स, उसके बाद में बच्चे खुद के नोट्स बनाते हैं, फिर उनको शॉर्ट करते हैं, फिर शॉर्ट करते हैं, फिर शॉर्ट करते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है। क्वेश्चन आंसर के सेशन में माइंड मैपिंग होती है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि भाई इसमें आंसर क्या आएगा, किस तरह का आएगा, लैंग्वेज पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, फिर वो बच्चा सोचता है कि इसमें क्या क्या आंसर आएगा। ऐसे बच्चा रेप्लिकेशन बच्चे के दिमाग का होता रहता है और बच्चे के दिमाग में विचार आते रहते हैं, नए नए विचार बहुत तेजी से आने चाहिए उन क्वेश्चन के समझ में। पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्योंकि कई बार तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, दिक्कत बच्चों के साथ बहुत सारी है। वो पढ़ के जाते हैं और वहां पे बिल्कुल नई चीज ऐसी आ जाती है उससे, तो वो क्या जो रटा हुआ है जो याद है वो लिख देता है और फिर वो मार्क्स आते नहीं है। देन मेरा विषय विज्ञान और यूपीएससी के लिए वैकल्पिक विषय ग्रुप में इतिहास, भूगोल, हिंदी, साहित्य में से किस विषय का चयन उत्तम रहेगा, इस बारे में तो राय दी नहीं जा सकती। आप पहले इतिहास को पढ़ो, थोड़ा सा एंशियंट इंडिया पढ़ो, थोड़ा मेडिवल पढ़ो, 3-4 दिन के लिए पढ़ो। ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप कैसे साइंस के हैं तो ज्योग्राफी में मेरे ख्याल से पकड़ लेंगे आप।
साइंस वालों के लिए ज्योग्राफी काफी ठीक रहती है, पर मैं नहीं कह सकता, ये आपको ही तय करना पड़ेगा। हिंदी साहित्य अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसके बारे में निर्णय आप ही को लेना पड़ेगा, इसकी मैं कोई राय नहीं दे सकता। अगर मैं कहूँ कि सर आप तो ज्योग्राफी ले लो तो ये ठीक नहीं रहेगा, अगर मैं कहूँ कि हिस्ट्री ले लो तो ये ठीक, मेरे हिसाब से अलग चीज़ हो सकती है, आपके हिसाब से अलग चीज़ हो सकती है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो इस सब्जेक्ट के बारे में आपको ही निर्णय लेना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई दिक्कत हो आपको तो आप मेरे से फोन पे बात कर लेना, आप सब्जेक्ट पढ़ के मेरे को बता देना, सर मेरे को ये लग रहा है वो लग रहा है, तो मैं इस बारे में अपन थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। निर्णय आपका ही होगा, कोई और निर्णय, कोई व्यक्ति ये इस बात का निर्णय नहीं कर सकता इस दुनिया में कि आप ऑप्शनल क्या लेंगे। ये आप ही का कॉन्शियंस काम करेगा, आप ही की बुद्धि काम करेगी, और उसको आप ही के निर्णय के आधार पर आपको ये सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। अब सर ये किस बुक से पढ़ना चाहिए यूपीसी के लिए, में किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए, सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करना जरूरी है, मैंने बता दिया आपको। सर बुक्स स्टार्ट यहाँ से करें, फिर एक ऑथेंटिक बुक जैसे लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, एक एक ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी हमको, बुक्स बहुत कम पढ़नी है, बहुत कम बुक्स पढ़नी है, ज़्यादातर अपने को एनसीईआरटी पे ही जोर देना है। पहले आप चीज़ें स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आप तेजी मत लाइए, धीमे और लगातार कार्य से सफलता मिलेगी, पेशेंस रखिए, और ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरे को तो बनना ही है और ये वो ऊपर वाला करेगा वो होगा। आप रेगुलर अगर मेहनत करेंगे तो मैं आपको दावा करता हूँ ये बातें आपने समझ ली तो ये इतने शॉर्ट सेशन के अंदर इतनी बातें हो नहीं सकती, मगर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब बातें एक एक बात का जवाब दूं। सर सब्जेक्ट वाइज जितना जिसका वेटेज है हमको उतना ही समय देना है। नंबर टू, जब आप पेपर देखेंगे पुराने साल के, उससे आपको पेपर का पैटर्न पता लगेगा, और पेपर का पैटर्न पता लगेगा तो जब आप पढ़ने लगेंगे तो उनमें ये क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि पूछने का ट्रेंड क्या रहा है और उस ट्रेंड के आधार पर आप तैयारी करते रहें। सर चीजों को आप क्रॉस चेक करते रहें, आपको समझ में आती जाएगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपको अनुभव होगा, वैसे वैसे आप अपनी गलतियों को खुद ही ठीक कर लेंगे। आप गलतियों को दोहराइए नहीं। आप ये बात ध्यान रखना कि जब आप शुरुआत करेंगे तो आपसे सैकड़ों गलतियां होने वाली है, और होनी भी चाहिए। अगर गलतियां नहीं होगी तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। गलतियां होने से ये पता चलेगा कि सुधार जरूरी है, और जब सुधार करेंगे उस गलती को दोहराना नहीं है। नई नई गलतियां करते रहिए, पुरानी गलतियों को मत दोहराइए, और गलतियां करते जाएंगे, सुधार करते जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप गलतियां करना ही छोड़ देंगे। आप सीखेंगे अनुभव से ही, आप धीरे धीरे छोटी मोटी गलतियां होंगी। अब आपने किसी ने एक चीज क्वेश्चन, मेरे को याद आ रहा है, किसी ने लिखा था कि सर क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, वाकई में बात सही है। यूपीएससी, आरपीएससी, आरएएस, ये सिविल सर्विसेज की तो तैयारी, उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि क्या पढ़ना चाहिए उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना चाहिए। कहते तो सब लोग हैं, पर ये पता कैसे चलेगा? जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ेगी, आप पेपर देखेंगे, कंटेंट देखेंगे, गलतियां करेंगे, आपको खुद को पता लगने लगेगा। अगर आप किसी मार्गदर्शक के साथ काम कर रहे हैं, आपको कोई समझा रहा है, कोई आपका है मेंटर है, और वो बताता है आपको, रेगुलर वे में आपको चेक कर रहा है, डांट फटकार भी कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, तो सर वो आपको सब बताएगा आप क्या कर रहे हैं। अगर उसको अनुभव है और उसने इस प्रक्रिया से गुजरा हुआ व्यक्ति है और वो ईमानदार है अपने काम के प्रति, तो वो आपको तैयार, यानी आपको हर चीज बताएगा आप गलती क्या कर रहे हैं। अगर वो डांटे फटकारे कुछ करे तो उससे बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आपका सौभाग्य है कि कोई आपको ऐसा कर रहा है आपके साथ में। सर बहुत लोग हैं ऐसे कर जो इस तरह से सिखा सकते हैं। अब वो पर्सनल किसी का ये कोई इस फील्ड में है या कोई इंटरेस्ट से काम करता है या नहीं करता, ये उस पर डिपेंड करता है। बाकी चाहे तो बहुत बड़ी खेप है, मगर लोग बताने में थोड़ा सा अंदरूनी बात, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐसी है जो टॉपर्स आके बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, 10 तरह के न्यूज़पेपर बता देंगे आपको। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल। वो प्रतियोगिता में लंबी सूची आएगी कि ज्योग्राफी में 14 किताबें पढ़ी, और पीछे सेल्फ होगी कि मैंने ये सब किताबें पढ़ी। कोई नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं पढ़ता, किताबें बहुत कम पढ़ी जाती है, उन्हीं को रिवाइज किया जाता है, कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है, टेक्निकली अपने आप को साउंड किया जाता है, और क्वेश्चन पेपर सॉल्व यानी क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस की जाती है, और एग्जाम क्रैक हो जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, और इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। और वो किताबें, एक किताब को पढ़ने में और समझने में, पढ़ना बहुत आसान काम है, आप 600 पेज की किताब 3 दिन में पढ़ लेंगे, पर 600 पेज की किताब को अंदर आत्मसात करना यानी आपको 3 महीने लग जाएंगे ढंग से। और जब आप बार बार रिविजन करेंगे, चीजों को एनालिटिकली जब
वेरीफाई करेंगे तो चीजें समझ, समय के साथ में आपकी समझ डेली बेसिस पे बढ़ती जाएगी, फिर आप डिस्कशन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, बहुत सारी चीजें। आंसर राइटिंग की शुरुआत मैंने पहले ही बता दिया सर, आंसर राइटिंग के बारे में आप अभी सोचना छोड़ दें, क्या आपको सब कुछ आता है? अगर आता है तो आप मेरे पास आ जाना, आंसर राइटिंग मैं करा दूंगा, फिर आप गलतियां करेंगे। आने के बाद की स्टेज है ये आंसर राइटिंग, और वो आपको एक एक शब्द चेक, यानी कोई करे कि ये यहाँ गलती हो रही है, ये लाइन नहीं आनी चाहिए, इंट्रोडक्शन में ये होना चाहिए, कंक्लूजन में ये होना चाहिए, इसको ऐसा लिखना चाहिए, इसमें ग्राफ बनना चाहिए, इसमें नक्शा बनना चाहिए, ये सब चीजें आंसर राइटिंग का भाग होती हैं। वो धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली सीखते हैं, और बहुत ज्यादा फिर जब आप सीख जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, अगर आपकी कमी आपको पता लग जाती है तो इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं होती, आप 3-4 टेस्ट देंगे, खुद देंगे तो भी हो जाएगा, तो वो अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी इसकी बहुत ज्यादा, लास्ट में करेंगे हो जाएगा। अभी आप आंसर राइटिंग के बारे में ना सोचें, आप तैयारी के ऊपर ध्यान दें, और तैयारी के अंदर आप, मैंने कहा ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम जैसे सुंदर शहर का निर्माण एक दिन में नहीं होता, कई साल लगते हैं, तो धैर्य बहुत चाहिए। किसी ने पूछा था सर शुरू से ही धैर्य चाहिए क्या, शुरू से क्या चाहिएगा साहब, अभी बहुत प्रेशर आएंगे जीवन में, ठीक है, और ईश्वर करे ऐसे प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर आए और हम काम करें, और आप लोग अभी आप में उत्साह है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, और मैंने पहले भी देखा बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, यहाँ भिलवाड़ा में रहता हूँ मैं, बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं बहुत अच्छा पढ़ते हैं, यूपीएससी प्री क्लिक क्वालिफाई कर लिया, अभी आरएस मेंस दे दिया, 21-21 साल के बच्चे हैं, तैयार हुए हैं, बच्चे तैयार होते हैं अगर उनको प्रॉपरली टैकल किया जाए, और बच्चे सिंसियर, और बच्चे सिंसियर होते ही हैं, बच्चों को सिंसियर करने वाला चाहिए, बच्चों की इच्छा होती है, पर जब उनको क्या है भटकते हैं और जब कुछ मिलता नहीं है चीजें, तो वो बच्चे थोड़े हताश हो जाते हैं। अब सुभाष जी भाई साहब जो काम कर रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ ऐसा मैंने कहीं देखे ही नहीं, ऐसा किसी भी समाज में नहीं देखा, इवन मैं मेरे समाज में देखता हूँ नेतागिरी चलती है मगर कोई कुछ नहीं करता कोई भी, और मैं आगे होके अपने समाज के लिए भी करना चाहता हूँ मगर किसी को जरूरत ही नहीं है, मेरी 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 किसी को जरूरत नहीं है, ऐसा मेरे को लगा, मगर यानी आपके सुभाष जी इतना काम कर रहे हैं, मैं तो वाकई में नतमस्तक हूँ इनके सामने। कोई व्यक्ति भारतीय स्तर पर अपनी नौकरी में होते हुए सुबह 9 बजे से 6 बजे और उसके बाद में कोई इतना काम और समाज के लिए इतना समर्पण हो किसी में, वाकई में यानी ये तो कोई बहुत बड़ी बात है, ये प्रणाम है बार बार, मैं तो कहता हूँ आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे व्यक्ति आप में हैं जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जीवन में अगर कभी बन जाए तो सर बस इनको सुबह उठ के बिल्कुल याद कर लेना, और जीवन में मिले तो चरण ही पकड़ लेना, यानी ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे नहीं, यानी बहुत ये बहुत बड़ी बात है। 4 दिन से हमारी बात हो रही है, 3-4 दिन से आप लोगों को लेके किस तरह की चिंता इनके मन में है, मैं जब हम बात करते हैं तो उसमें लगती है हमेशा, तो ये बहुत खुशी की बात है और ये आप लोगों के लिए गर्व का विषय होना चाहिए कि आपको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्ति यानी आगे आए हैं और आगे आपको बढ़ा रहे। फिर आगे क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि इंग्लिश डेवलपमेंट के लिए किसी संस्थान में प्रशिक्षित लेना आवश्यक है। देखिए अगर आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है तो एक तरीका बता सकता हूं मैं, सब बताते हैं अपने अपने तरीके, आप कुछ मत कीजिए, 15 मिनट तो इंग्लिश एक अखबार लाइए 7 दिन में एक बार, टाइम्स ऑफ इंडिया ले आइए, इंडियन एक्सप्रेस ले आइए, कोई हिंदू हिंदू में फंसने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज बहुत टफ है, एटलीस्ट है, कोई सा भी अखबार लिए, 7 दिन 15 दिन का एक अखबार ही लेना है, 3-4-5 रुपए का अखबार होगा, 15 दिन में 15-15 मिनट उस अखबार को जोर जोर से खड़ा होकर पढ़ना है, चाहे घर वाले हंसे चाहे घर में बैठ के पढ़िए, 15 मिनट तक पढ़िए, 15 मिनट तक पढ़ते रहिए, 15 मिनट हो और उस अखबार को रख दीजिए, गलत पढ़िए सही पढ़िए पढ़िए, 15 मिनट तो पढ़ाई करनी है, 15 मिनट लिखा हो गया आधा घंटा, कुछ भी पढ़िए सेंटेंस उसी अखबार में से एक पैराग्राफ कॉपी में लिखिए, उससे क्या होगा, उससे एक तो प्रोनाउंसिएशन आपका प्रॉपर होगा, पहले तो सबसे पहली बात है प्रोनाउंसिएशन है, और दूसरा जो है रिटर्न में जो आपकी अगर अंग्रेजी बहुत कमजोर है स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती होंगी वो सुधरेंगी, तो ये महीना 1.5 महीना जब क्रम चलेगा उसके बाद में आप एक किताब आती है बहुत बेसिक नेहपाल सिंह तंवर जो हिंदी टू इंग्लिश है, उससे सामान्य किताब आपको नहीं मिलेगी, वो किताब मार्केट में मिल जाएगी, वो किताब ले लें आप और उस किताब के पहले पेज से काम चालू कर दें, खुद करें, जब ये सब कुछ कर लें तो इंग्लिश का कोई अच्छा टीचर पकड़े स्कूल का जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ऐसे टीचर पकड़े, किसी कोचिंग संस्थान में ना जाएं, किसी अच्छे टीचर को पकड़े, तैयारी करें,
और जैसे जैसे आगे आप प्रैक्टिस करोगे, फिर आइडियोम्स तैयार करें, फ्रेजल तैयार करें, थोड़ा सा लिखने का अभ्यास करें, इस तरह का लिखेंगे तो आपकी इंग्लिश काफी ठीक हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा काम नहीं, 1 साल के अंदर, ये लंबा काफी है। उसके आप 6ठे दिन नहीं करेंगे, 7वें दिन नहीं करेंगे, फिर 8वें दिन करेंगे, फिर 1 महीने का गैप आ जाएगा, फिर कभी नहीं होगा। रेगुलर करना पड़ेगा इसको, कोई भी काम हो आपको रेगुलर ही करना पड़ेगा। विज्ञान विषय के विद्यार्थी के लिए वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। विज्ञान विषय वाले ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपकी साइंस मैथ्स अच्छी है तो कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। हमारे साथ में हमारे मित्र है विजय सोनकर, आरपीएस है, अब तो एडिशनल एसपीएसपी बनने वाले हैं। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लेक्चरर थे, लेक्चरर गवर्नमेंट कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज बांसवाड़ा में। तो पहले नौकरी लग गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर हो गए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेके सब्जेक्ट लेके आरएस का एग्जाम दिया, तो 200 का पेपर होता था, उस समय ऑप्शनल होता था, 90 या 95 नंबर आए थे। उन्होंने सब्जेक्ट चेंज किया, पब्लिक एड और हिस्ट्री ली और आरपीएस हो गए। तो ये पर्सन टू पर्सन है। हमारे साथ एक हर्ष सावंत सुखा थे, अभी आईएएस में प्रमोशन भी हो गया उनका, आरएस से आईएएस में प्रमोट हुए हैं। हर्ष सावंत सुखा, अरुण पुरोहित, अजय सिंह राठौड़, ये हमारे, ये अरुण अरुण जी हमारे से सीनियर थे और ये हर्ष और हमारे साथी थे। तो ये अभी आईएएस बने हैं, आरएस से आईएएस में प्रमोट हुए हैं। हर्ष सावंत सुखा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से आरएस में 12वीं रैंक, 96 अटेम्प्ट। तो ये मैथमेटिक्स उनकी अच्छी थी और उन्होंने मैथमेटिक्स से निकाला। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है हर व्यक्ति कैसे। कुलदीप राका अपने मुख्यमंत्री के जो ओएसडी हैं, 95 बैच के 5वीं रैंक उनकी थी यूपीएससी के अंदर। जब उन्होंने पहली बार, आईआईटीएन है, जोधपुर के रहने वाले हैं, मैं भी जोधपुर में रहता था, तो जब उन्होंने यूपीएससी दिया तो हम बड़े कन्फ्यूजन में रहते थे कि क्या करें हम, क्या करें। तो हमारे साथ में एक सुरेश जी थे, वो अब आरएस हैं, सुरेश जी अब तो एडीएम बन गए वो। तो सुरेश जी को मैंने बोला, सुरेश जी ने कहा चलो कुलदीप जी से मिलके आते हैं। तो हम कुलदीप जी के घर गए, शास्त्री नगर में कुलदीप जी रहते थे, तो आईआईटी करके आए थे और आईएएस का एग्जाम दिया ही था। तो हम गए, साहब हमको भी कुछ बताओ क्या करें क्या नहीं करें। तो कुलदीप जी, अभी तो कुलदीप जी राजस्थान वही चला रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का तो नाम है। तो कुलदीप जी ने हमको बिठाया, पानी वानी पिलाया और फिर हमको कहा कि देखो तैयारी करो यार, मेरा भी क्या है आईएएस में तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है। एक्चुअली क्या है, मैं तो आईआईटीएन हूँ और मैंने साइंस के सब्जेक्ट लेके ले लिया है, पर अब मेरा नहीं होगा इस बार, मैं तो हिंदी साहित्य लूंगा अगली बार। और उसके 21 दिन बाद में उनका इंटरव्यू कॉल आ गया और उसी अटेम्प्ट उनकी 5वीं रैंक, यूपीएससी में 5वीं रैंक, पहला ही अटेम्प्ट था उनका। राजस्थान कैडर भी मिल गया और पहले बूंदी कलेक्टर, सबसे पहला पोस्टिंग ही बूंदी कलेक्टर हुई थी। 97 के अंदर मुलाकात हुई थी मेरी उसके बाद, तो अब भूल भी गए होंगे वो, तो मैं वापस कभी मिला ही नहीं। अभी वो मुख्यमंत्री सीएमओ में है और पूरा सीएमओ वही देखते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, कुलदीप राका। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फिर आपने बताया करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन, न्यूज़पेपर, सर कोई सा भी पढ़ लो जो आपको ठीक लगे। करंट अफेयर्स करना है आपको, कहीं से भी हो सकता है, सब किताबें एक जैसी आती है करंट अफेयर्स की। ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ना, क्रोनोलॉजी पढ़ लो अगर आरएस दे रहे हो तो, और बुमल पढ़ लो, और उसके अलावा अगर यूपीएससी दे रहे हो तो आप, मैंने बताया विजन का या किसी का नोट पढ़ लो, वो पीडीएफ हर महीने आती रहती है। सर यूपीएससी की तैयारी की बेहतर रणनीति मैंने बता दी आपको, हिंदी माध्यम रहा आप अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी कमजोर है तो माध्यम कौन सा ठीक रहेगा आपको चूज करना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा। अगर इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन प्रॉपर हो रहा है तो इंग्लिश रखिए, अगर इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो हिंदी ले लीजिए। मगर एक बात ध्यान रखना आप, हिंदी इतनी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। अगर हिंदी में आपकी अभिव्यक्ति ठीक नहीं है मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हिंदी करना पड़ेगा, आरएस वाले जो भी आरएस दे रहे हैं या आईएस दे रहे हैं, भाषा ऐसी होनी चाहिए कि लगे आदमी को कि हाँ लिखा है। यानी आपको रेगुलर उसके अंदर प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग किस तरीके से होगी वो बोल के बताना है, लिख के नहीं, कि आपके विचार आए और विचार आप बोल दो मुंह पे, तो मैं ऐसा लिखूंगा सर, मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं बच्चे से पूछता हूँ इसका तू क्या आंसर देगा, तो बच्चा क्लास में बोलना स्टार्ट करता है। मैं कहता हूँ इस आंसर को अगर इस तरीके से दे तो कैसा होगा, इस आंसर को अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो कैसा होगा, तो फिर बच्चा वो नोट कर लेता है, अच्छा इसमें ये बात, तो बच्चे को आइडिया लगने लगता है। ये इस तरह से आंसर राइटिंग की जल्दी भी हो जाती है प्रैक्टिस, टाइम वेस्ट नहीं होता और बच्चे के दिमाग में बहुत सारे विचार एक साथ आ जाते हैं। हम एनालिटिकल बात ज्यादा करते हैं, एनालिसिस पे ही क्वेश्चन करते हैं, तो वो बाकी की छोटी मोटी चीजें तो वैसे ही दिमाग में घुस जाती है, ज्यादा एनालिसिस ही होता है। आगे बात करें, करंट अफेयर हो गया, बेहतर रणनीति बता दी मैंने हिंदी, तो अंग्रेजी माध्यम आप जो अच्छा हो उसके ऊपर आप खुद चूज करें। हिंदी और इंग्लिश माध्यम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप वाकई में कैलिबर है आप में तो हिंदी मीडियम के टॉपर हो सकते हैं हमारे साथ में। मैं एग्जाम्पल देता जा रहा हूँ, संजय अग्रवाल मेरे साथ का आरएस के अंदर 520वीं रैंक, मेरी 569वीं थी, उसकी 520वीं थी। मकराना का रहने वाला है, संजय अग्रवाल टाइप करोगे आ जाएगा, मकराना का है, चार्टेड अकाउंटेंट है। जयपुर में हमने को ये इंटरव्यू के लिए 10 दिन हम साथ रहे थे, और वो आरएस में तो 520वीं रैंक और आईएएस में 70वीं रैंक, और ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों एग्जाम के अंदर 6 महीने का फर्क है। तो देखो उल्टा हो गया ना, आरएस के अंदर तो रैंक ही नहीं आई, और वो चार्टेड अकाउंटेंट था, अकाउंट्स सब्जेक्ट था उसका, अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट, और दो सब्जेक्ट होते थे, एक ज्योग्राफी था उसका, दोनों सब्जेक्ट से यूपी एक क्रेडर मिला है, अभी यूपी के अंदर वो सेक्रेटरी लेवल पे पहुंच गया। और एक बलवंत सिंह राठौड़, मैं उनका तो नाम लेना भूल ही गया, बलवंत सिंह जी के, बलवंत सिंह राठौड़ गांव के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में गांव के, बहुत छोटे से गांव के हैं, और वो गांव के स्कूल में ही पढ़े। तो बच्चा मेरे से तो एज में छोटे थे, मगर हम साथ थे, वो बहुत जल्दी तैयारी में लग गए थे। तो जोधपुर में वो पढ़ते थे, फिर जयपुर चले गए थे, उस समय कोचिंगें तो होती नहीं थी, खुद ही पढ़ना पड़ता था। उन्होंने कहा यार बाबा मैं तो इंग्लिश आईएएस बनना मुझे। मैंने कहा देखो बल साहब बात ऐसी है कि आईएएस वाईएस ठीक है, आप एक बार इसको आरएस आईएएस का दिमाग से निकालो, पहले आरएस निकालो। उस बच्चे ने पहले अटेम्प्ट में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की छोटी सी नौकरी, उन्होंने सन 2000 में हमारे ही बैच में 2000 में इंटरव्यू दिया था, 2001 में उनकी नौकरी लग गई कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर। 2001 में यूपीएससी दिया, 2003 में यूपीएससी दिया, 2005 में यूपीएससी दिया, फिर 2003 में जब आरएएस दिया तो 5वीं रैंक आई आरएएस में, ट्रेनिंग में भी चले गए, और 2006 में उनकी 28वीं रैंक यूपीएससी में आई। अभी संबलपुर के कलेक्टर हैं, और इनकी बुआ अपने आसिंद के पास ही हैं, गांव के, इनके पिताजी बिल्कुल साफा धोती पहनने वाले व्यक्ति हैं, उनसे मिला हुआ हूँ मैं यहीं पे अपने बालोतरा के पास में, बाड़मेर जिले में उनका गांव है। और उनके जो मामा के लड़के हैं, ये यहाँ पे डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, आपके चुंडावत साहब, उनका नाम क्या, हमारे फतेह टावर के सामने भिलवाड़ा के अंदर चुंडावत साहब डॉक्टर हैं, वो उनके रियल मामा के लड़के हैं, वो भी बात करते रहते हैं, कभी हमारी बात होती रहती है बलसा के बारे में। तो बलवंत सिंह जी ऐसे एग्जाम्पल है, हिंदी मीडियम से हैं वो भी, काफी अभी राजपुरोहित हैं वो, हिंदी मीडियम से निकले बाड़मेर के। बाड़मेर के लोग मेहनती बहुत होते हैं, बहुत मेहनती होते, बड़ी बात नहीं है, फिर बहुत सपोर्ट करते हैं बाड़मेर के, बाड़मेर वालों को, वहां पे ये नहीं है, वहां पे बाड़मेर क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा हावी है। बाड़मेर वालों ने अपना ग्रुप बना रखा है, सभी आईएएस वालों ने, वो अपने भिलवाड़ा वालों को या चित्तौड़ वालों को या किसी और डिस्ट्रिक्ट वालों को अपने में इंक्लूड ही नहीं करते। हमारे साथी हैं बाड़मेर के हत्ते सिंह भाटी, और हमारे समाज के मगर हमारे को नहीं रखते, वो अपने बाड़मेर वालों को ही गाइड करते हैं और किसी को गाइड करते ही नहीं, और वो उनके लिए पूरा समर्पित भी है, ऐसा नहीं है, वो पूरा समर्पण से काम करते हैं, वो जितना हो सकता है उनसे उतना करते हैं। ठीक है, बेहतर रणनीति बता दी मैंने, ये मीडियम बता दिया, सेल्फ स्टडी पर्याप्त है, कोचिंग लें है सर। ये सेल्फ स्टडी और कोचिंग का क्वेश्चन भी एक बहुत ही अनसुलझी पहली है। मैंने कहा ना आपको, कोचिंग अगर आपको, कोचिंग लेवल क्या है, कोचिंग एक तो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम है, मगर वहां पे बच्चे सेलेक्ट, यानी बच्चा अपने कैलिबर से सेलेक्ट होता है, बच्चे के इंटरेस्ट से सेलेक्ट होता है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है और बच्चा उस चीज को नहीं पकड़ पाया, वाजीराव एंड रवि दिल्ली का सबसे बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उससे बढ़िया कोई भी। अगर कोई मेरे को पूछता है कि सर दिल्ली जाना कहाँ जाऊं, तो मैं कहता हूँ वाजीराव रवि, इंग्लिश मीडियम का है, 9 महीने में यूपीएससी की तैयारी करा देता है, मगर वहां पे पकड़ आपकी जो है बिल्कुल, वो जो ट्रेन चलती है वो 450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, यानी वो ये सोच के चलते हैं कि आपको सब कुछ आता है। अब आप उस लेवल पे पहुंचते हो या नहीं पहुंचते हो उस लेवल तक, तो आपको फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर वो आपको आपको चेक नहीं करेंगे कि कौन बच्चा, वहां पे बच्चे सिंसियर होते हैं, वो पहुंच जाते हैं और उनमें से उनकी फिनिशिंग अच्छी हो जाती है वहां पे, ये होता है वहां पे। अगर फिनिशिंग के लिए है तो कोचिंग वो वाले बहुत अच्छे हैं, मगर सर कोई, मैं कह रहा हूँ आपके शहर में ऐसे लोग मिल सकते हैं आप ढूंढोगे तो, कि जो आपको पर्सनली ट्रैक करें और वो चाहे कि आप बनो, यानी वो आपको ट्रैक करें। मेरा भी मेथड यही होता है, मैं पर्सनली बच्चे को ट्रैक करता हूँ, एक एक बच्चे को जो मेरे पास है उनको ट्रैक करता हूँ। ऐसा आपके शहर में आपको कोई मिल जाए, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो पर्सनली ट्रैक करते हैं वो, ऐसे लोग आपको अगर कहीं मिल जाए, आपके परिवार में हो या आपका कोई ऐसा हो जो आपको सही बता दे कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई में कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, सब्जेक्ट पे पकड़ भी होनी चाहिए, वो होती है लोगों की, यानी ज्यादातर एक या दो सब्जेक्ट में होते हैं, पर जिन्होंने लंबी पढ़ाई कर रखी होती है वो करीब करीब हर सब्जेक्ट में सिद्ध होते हैं। फिर
फिर स्टार्टिंग प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल बता दिया मैंने आपको, एनसीईआरटी की बुक्स कौन सी बुक्स पढ़े, एनसीईआरटी के एनसीईआरटी की बुक्स से होती है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब किताबें हैं। सिलेबस लेखक की पुस्तकें खरीदिए, अभी मत खरीदिए आप, अगर आप पुराने हैं तो अलग से पूछ लेना, आपने तैयारी दो बार कर रखी है और दो एग्जाम दे रखे हैं तो अलग से पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको कौन सी बुक्स लेनी है। तो लक्ष्मीकांत वगैरह ये अच्छी बुक्स हैं, वो सबको पता है, वो यानी उसके लिए आपको मेरे को पूछने की भी जरूरत नहीं है। टाइम टेबल का आप पर्सनली अपने लेवल पे करें, टाइम टेबल आप अपने हिसाब से तय करें कि मुझे क्या करना कैसे करना, दो दो घंटे के, तीन तीन घंटे के स्लॉट बना लें, छः घंटे पढ़ाई बहुत है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, 10 घंटे 12 घंटे नहीं पढ़ना, खिलाफ हूँ मैं, क्यों नहीं पढ़ना सर? आप कहोगे सर आप, मैं तो पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ नहीं दे रहे, आप 10-12 घंटे पढ़ोगे तो फिर 15 दिन पढ़ोगे 16वें दिन से फिर आप 15 दिन के लिए छुट्टी मनाओगे। मैंने कहा ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, रेगुलर पढ़िए 5 घंटे या 6 घंटे, मगर वो नियम टूटे ना, व्रत की तरह करना उसको काम को, है टफ है थोड़ा सा, रेगुलर करना बहुत टफ है। जिसने रेगुलर कर लिया और जिसने प्रॉपर मार्ग यानी प्रॉपर जो बताया उस तरीके से काम कर लिया सर, वो आईएएस बनेगा सर। इतना प्रॉपरली लोग नहीं करते फिर भी बनते, इतना प्रॉपरली कोई फॉलो नहीं करता चीजों को, और प्रॉपरली जो फॉलो कर ले वो तो बनना ही बनना है। बहुत सामान्य लड़के राजस्थान के यूपीएससी निकालते हैं, बहुत सामान्य, बाड़मेर वाले इसलिए निकालते हैं कि उनको ऊपर से ये बलवंत सिंह जैसे और ये राजपुरोहित जैसे जो बाड़मेर के, वो एक एक बाड़मेर वालों को ट्रैक करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये पर्सनल कोचिंग का कोई रोल नहीं है, वो खुद ही पढ़ते हैं, कोचिंग वाला बता देता है, कोचिंग वाले बता देते हैं, कोचिंग वाले कोचिंग ये आपको सिलेबस करा देते हैं, जो कोचिंग सिलेबस ओरिएंटेड होगी वो सिलेबस कराएगी और सिलेबस करा के 8 महीने में आपको घर भेज देगी, उसके बाद क्या होगा आपका, आपको तैयारी लंबे समय तक करनी, बहुत लंबे, कम से कम 4-5 साल आप टच में रहें उससे, और वो आपकी प्रॉब्लम्स को जैसे जैसे नए अपडेट आते रहें आपको क्लियर करते रहें, आपकी दिक्कतें सुलझाते रहें, तो उसका फायदा है। तो वो पर्सन ही कर सकता, पर्सन टू पर्सन यानी कोई आदमी इस तरह से मिल जाए आपको तो आपको बहुत फायदा होगा। स्टार्टिंग प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल बता दिया मैंने, यूपीएससी के अनुसार पुस्तकें बता दी आपको मैंने कि ये एनसीईआरटी पढ़नी है, टाइम टेबल आपको बता दिया, सही मार्गदर्शन चाहिए सर, सही मार्गदर्शन यही है, रेगुलर पढ़िए, आत्मसात कीजिए, समझिए, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ाइए, बस चीजों को कीवर्ड के रूप में तैयार कीजिए, पुराने पेपर देखिए और पुराने पेपर देख के क्वेश्चन को दिमाग के अंदर, और एक बात मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ, जितनी बात क्लास में हमेशा बोलता हूं, मैंने कहा आप आंसर तैयार मत कीजिए, आप क्वेश्चन तैयार कीजिए, आपके क्वेश्चन दिमाग में होने चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन इस चैप्टर से उठ सकते हैं, वो क्वेश्चन होंगे, आंसर आप भूल जाएंगे तो सर आप मेरी बात को शायद इतने कम अवधि में समझ नहीं पाएंगे, आप उस चैप्टर की पूरी बाउंड्री आपके दिमाग में 24 घंटे होनी चाहिए, ये बाउंड्री की पर मैं बहुत जोर देता हूं, यानी इस चैप्टर में हम क्या क्या बातें पढ़ते हैं, कोई सा भी चैप्टर है, इंडियन जुडिशरी है तो इंडियन जुडिशरी के अंदर इंटीग्रेटेड सिस्टम आता है, इंडियन जुडिशरी के अंदर उनके क्या जुरिस्डिक्शन है वो आता है, इंडियन जुडिशरी के अंदर क्या क्या किस तरह के कोर्ट है वो आता है, फिर फंडामेंटल राइट को किस तरह से ये प्रिवेंट करते हैं वो आता है, फिर इंडियन जुडिशरी में जुडिशियल एक्टिविज्म आता है, ये बात यानी अगर मैं किसी पर डिस्कस करूं तो उसमें क्या क्या पढ़ना है वो तो हेडिंग तो आपको पता होना चाहिए, वो ही नहीं पता, आप पढ़ लेंगे 3 दिन बाद भूल जाएंगे। सर ये बाउंड्री जब ये तैयार होगी तो ऑटोमेटिकली अंदर घुसने के लिए स्पेस मिलेगा आपको, ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको शायद तो कोई बताएगा नहीं, ये बहुत बेसिक है, ये इतनी बेसिक है कि वो बताएगा भी क्यों, वो सोचेगा कि वो तो खुद ही कर लेगा, मगर ये बेसिक चीजें तो कोई नहीं करता, सब बड़ी बड़ी काम करना चाहते हैं, छोटे छोटे कामों से ही सफलता मिलेगी, बड़े बड़े कामों से सफलता नहीं मिलेगी, ये छोटे छोटे काम है। अगर आप कोई चीज लिख रहे नीतिबद्ध और उसमें आप नीति मात्रा गलत लगा रहे हैं, ये गलती बहुत छोटी है सर, सुधर जाएगी, पर सर नहीं सुधरती, मैंने मेरी क्लास में देखा है ना ही सुधारते बच्चे, बच्चे गलतियां हिंदी की सुधरती नहीं है, यानी वो इतना छोटा समझते हैं कि इसको तो हम कर ही लेंगे, वो नहीं होती है, और इस बात को लेकर मैं उखड़ता भी करती हूँ, हिंदी की गलतियां चाहे इंग्लिश की स्पेलिंग मिस्टेक एग्जामिनर के ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट डालती है और वो सुधरती नहीं है अगर आप उसके पीछे हाथ धो के पीछे ना पड़े तो। मैं कला के विषय की छात्रा हूँ, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा, ये मैंने आपको इस बारे में जवाब दे दिया, करीब करीब आंसर राइटिंग वगैरह का जवाब दे दिया मैंने, सिलेबस क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना मैंने बता दिया आपको, आप जब घुसेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, 4 बार आप चीजों को पढ़िए उसके बाद में शॉर्ट नोट्स बनाइए, पहले अंडरलाइन कीजिए उसको, उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसमें से कंसेप्ट निकालिए, फिर पुराने पेपर देखिए, पुराने पेपर देख के वापस इसको पढ़िए, इसमें से कौन कौन सी चीजें किस किस तरीके से पूछी गई है, तब आपको आइडिया लगेगा। यूपीएससी में कौन से विषय से ज्यादा प्रश्न आते हैं, बहुत बैलेंस पेपर आते हैं साहब, कुछ कहा नहीं जा सकता,
सबके कभी पॉलिटिक्स ज्यादा आ जाती है तो कभी इकोनॉमिक्स ज्यादा आ जाती है, कभी करंट अफेयर उड़ा देता है, कभी क्या इस तरीके से पेपर आता है। तो आपको सब पे बैलेंस और बैलेंस तैयारी करनी है, बेहतर रणनीति वगैरह सब कुछ बता दी, तैयारी को बाधित किए बिना मीडिया से कैसे दूर रहा जाए, धैर्य पेशेंस, अगर आप में कमिटमेंट लेवल हाई है तो आप कर लेंगे। और आप मीडिया से भी जहां जरूरत है उसको मीडिया को भी यूज में लीजिए ना, पॉजिटिव चीजें हैं इसकी भी। अपन नेगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस रखते हैं हम, इसको व्हाट्सअप देखने में ये वो, उसमें टाइम कितना निकल जाता है। डेली का डायरी मेंटेन कीजिए, आज मैंने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, प्रोडक्टिव डे कितना रहा, नहीं रहा। हिंदी मीडियम वगैरह की बात मैंने कर ली है, बाकी सब बात मैंने कर ली है। एग्जाम सभी यूपीएससी टॉपर से बोलते हैं कि एग्जाम से पहले बुक से पढ़ाई करनी चाहिए, जैसे ही एग्जाम आए हमें उन बुक्स को छोड़कर अपने द्वारा बनाए गए नोट्स का रिविजन करना चाहिए। सर बुक से तैयारी शुरुआत में होती है और बुक को कंपाइल करके नोट्स बनाए जाते हैं, आप समझे, शुरुआत में बुक से तैयारी की जाती है। अगर आपको कोई किसी टीचर से कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उस बुक से फिर रेफरेंस लेते हुए आप अपने नोट्स तैयार बुक से और टीचर के रेफरेंस से चीजों को समझ अपने तरीके से, और बाद में इसके शॉर्ट नोट्स बनते हैं, ठीक है। बुक फिर क्या है कि आप जब शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो कोई रेफरेंस लेना हो तो बुक काम आती है। ऐसा नहीं होता कि पहले बुक से पढ़ेंगे, एग्जाम टाइम में नोट से पढ़ेंगे, ऐसा अलग अलग नहीं होता। आप रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए, आंसर राइटिंग छोड़िए। रिटर्न प्रैक्टिस कैसे करना है, पूरा चैप्टर लिखिए, ये पूरा चैप्टर हो गया इंडियन मानसून, पूरा चैप्टर कर लिया आपने सर, बिना कोई क्वेश्चन बिना कोई आंसर के पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या दिमाग में आता है लिख दीजिए, फिर देखिए कि मैंने गड़बड़ कहाँ कहाँ की, क्या सभी कंसेप्ट इसमें आ गए हैं, क्या जेट स्ट्रीम आ गई है, क्या अलनीनो आ गया, क्या लानिनो आ गया, क्या ESNO ये आ गया, एंटी डाइपोल आ गया, ये सब चीजें आ गई, इसका मानसून पे इफेक्ट कैसे पड़ रहा आ गया, ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे तैयार हो जाएगा आपका। अगर आप मान लीजिए फिजियोग्राफी इंडिया की, फिजियोग्राफी इंडियन प्लेन्स बता कैसे, क्वेश्चन पूछ लिया हिमालय में भूकंप क्यों ज्यादा आते हैं, सर किताब में तो नहीं मिलेगा ना। अब अगर आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल है पूछेगा तो ये वो किताब में आंसर मिलेगा इसका। जब आपको पता चलेगा कि इंडियन प्लेट खिसकी कैसे ऊपर, खिसकी तो क्या किस तरह से वेरिएशन नीचे आया, और जो MCF है, क्रस्ट है, जो फॉल्ट आए हैं, जो ये इन फॉल्टों की वजह से ये क्रस्ट ऊपर, ये जो इंडियन प्लेट ऊपर खिसक रही, यूरेशियन प्लेट नीचे आ रही, दोनों टकरा रहे हैं, और ये बलित ये जो बलन से ये बलन बढ़ रहा है, नीचे जो है गैप मिल रहा है उस गैप से ये बढ़ रहा है, तो ये पता चल जाएगा। अगर आप पेनिनसुलर प्लेटो पढ़ेंगे तो उसके तीन भाग करते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये उधर का हिस्सा जो शिलोंग का पठार है ये इसका हिस्सा है, क्यों है कि बीच में मालदा गैप आ गया, चीजें एनसीईआरटी से क्लियर होंगी। और वो अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है तो एनसीईआरटी को ही रेफर करता है तो बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी को आप नोट देखेंगे ना कोचिंग के, एनसीईआरटी रेफर ही नहीं करते कोचिंग के नोट्स में, वो कोचिंग के अंदर वही जंक मेटेरियल, वो गाइड से नोट्स बनते हैं और उस तरीके से करते हैं, या कोई टीचर अच्छे टीचर हैं वो उनके खुद के नोट्स होते हैं, वो अच्छे टीचर हैं, अच्छे टीचर पढ़ाते नहीं है। रमेश अरोड़ा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया की मानी हुई हस्ती, पढ़ाते नहीं, अच्छे टीचर पढ़ाते नहीं है, ये विडंबना है इस देश की। अब उनका आशीर्वाद अगर बच्चों को मिल जाए तो बच्चे पता नहीं क्या बन जाए, बीडी शर्मा है ये इस तरह के टीचर हैं, पढ़ाते नहीं है। पहले चांदमल जी थे, उनकी डेथ हो गई, फिलोसफी में थे, हम पढ़े हैं उनसे, 10 महीनों का अंतराल है, तो वैसे कौन से सब्जेक्ट है जो अधिक प्राथमिकता दें प्री और मेंस क्लियर कर सकूं। सर अभी आपके पास 10 महीने का टाइम, तो आप ये प्रीलिम्स का तो तैयारी करिए, और उसके अलावा एथिक्स को और निबंध पेयर इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, और जीएस को तैयार कीजिए, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी एक ऑप्शनल को तैयार कर लें, तो ये थोड़ा सा मेंस का भी साथ में लेके चलें, अगर 10 महीने हैं तो 10 महीने आपको प्री में नहीं चाहिए, और सी सेट को तैयार करें ढंग से, बच्चे सी सेट की वजह से ज्यादा फेल हो रहे हैं, ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं सी सेट के अंदर, सी सेट में फेल इसलिए हो रहे हैं कि मीडियम होता है हिंदी, और वो हिंदी इतनी क्लिष्ट आती है सी सेट में कि वो समझ में आती है, अंग्रेजी बच्चों को कम आती है और वो अंग्रेजी को समझ नहीं पाते, फिर वो उसका ट्रांसलेशन होता नहीं है, वो क्या एक पैराग्राफ समझ में आता नहीं है, और वो 28 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, एक या दो नंबर से फेल हो जाता है। अभी अपने 2 बच्चे क्वालिफाई किए हैं IAS प्री इस बार। विद्यार्थी की शैक्षणिक पृष्ठभूमि गणित विषय में हो या अर्थशास्त्र दर्शन शास्त्र साहित्य हो तो तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। सर सब सब्जेक्ट का अपना अपना तरीका है पढ़ने का, है ना, जो सब्जेक्ट आपने ले रखा उस सब्जेक्ट के बारे में सिलेबस उठाइए, और सिलेबस उठा के ऑथेंटिक बुक जो भी है उन बहुत याकूब मसीह आती है दर्शन शास्त्र में, दर्शन शास्त्र मेरा सब्जेक्ट इसलिए बता रहा हूँ मैं, है ना, इंडियन फिलोसफी वेस्टर्न फिलोसफी की अलग अलग आती है, और उसके अलावा ग्रीक फिलोसफी ये फिलोसफी कई सारी फिलोसफी पाश्चात्य दर्शन और धर्म दर्शन और ये सब की अलग अलग किताबें आती है, आप मेरे से अलग बात कर लेना अगर फिलोसफी दिया है तो, मैं बता दूंगा आपको।
फिर आपको बात करते हैं कि रणनीति क्या होनी चाहिए, वो क्यों क्वेश्चन है, सोशल मीडिया से कैसे दूर रहा जाए, और ये कोई कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, 11वीं की छात्रा हूँ तैयारी, जो बच्चे 11वीं 12वीं में है वो बहुत अच्छी बात है ये। अगर आप 11वीं 12वीं में हैं तो आप तैयारी नहीं, आप NCERT पढ़ो, समझ में आएगी आपको, थोड़ा दिक्कत आएगी। अगर किसी की मदद ले सकते हो, आपके शहर में कोई टीचर हो जिसको नॉलेज हो, जैसे ज्योग्राफी के NCERT पढ़ रहे हो, अगर कोई टीचर है वो बता दे आपको, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करा दे, तो वो कर लो। अगर आप भिलवाड़े में हो तो आप थोड़ा संपर्क करना, आपकी मदद करेंगे हम। और अगर आप किसी और शहर में हो तो किसी टीचर, जो जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी में कोई स्कूल टीचर है या कोई है, वो आपकी मदद कर दे। अगर आपको जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत आ रही है तो आप कर सकते हो। इज इट पॉसिबल टू प्रिपेयर बोथ IAS एंड IAS एट द सेम लेवल सेम टाइम? देखिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज और IAS, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे साथ में एक राकेश जी, राजेश जी भूतड़ा थे, राजेश जी भूतड़ा हमारे, मेरे से 2 साल सीनियर थे वो। उनका सबसे पहले सेलेक्शन हुआ RAS में, टॉपर थे वो, 10वीं 11वीं रैंक थी 97 में। उसके बाद में उनका सेलेक्शन हुआ IAS में, IAS, अभी मेरे ख्याल से वो IAS ही है, जोधपुर पोस्टिंग थी जब मैं था तब, राजेश जी भूतड़ा, ठीक है। और फिर उन्होंने IAS भी दिया, उसके अंदर उनका LID में हुआ था तो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। तो IAS में आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ आपकी, मेरे सिलेबस नहीं देखा IAS का, ES के लिए आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की पकड़ होनी चाहिए, और IAS के अंदर बाकी सभी एग्जाम का रस जो है मेन क्रक्स जो है, UPSC की तैयारी करते हैं तो आपको अलग से बहुत कम चीजें पढ़नी पड़ती है, सभी एग्जाम हो जाते हैं छोटा मोटा, यानी मेन जो हाईवे वही है UPSC वाला ही, सभी एग्जाम का। आप दिल्ली का टिकट लो, नसीराबाद उतरो, किशनगढ़ उतरो, मांडल उतरो, या विजयनगर उतरो, आपकी इच्छा है। वो दिल्ली का टिकट यानी UPSC परीक्षा की तैयारी, और UPSC तैयारी होते ही वो बाकी सब की तैयारी हो जाती है। पर IAS में आपको थोड़ा सा अलग इसलिए पढ़ना पड़ेगा, ये जो है ऑल इंडिया सर्विस नहीं है, ये स्पेशलाइज सर्विस है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इसके अंदर आपको जो है इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट अलग से करना पड़ेगा तैयार। और इंजीनियरिंग अगर आप उधर IAS में आपका ऑप्शनल है तो आपको वैसे ही फायदा हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट, मैंने काफ़ी बात कर ली टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, डेली बेसिस पे 6 घंटा, 6 घंटा प्रोडक्टिव, केवल 6 घंटा, घंटे के लिए नहीं, प्रोडक्टिव आपको फील आना चाहिए कि मैंने 2 घंटा पढ़ा है, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ है। आंसर राइटिंग के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया, करंट अफेयर बता दिया, बुक्स प्रत्येक विषय के लिए कौन सी पढ़ें, सर सबके लिए, ज़्यादातर के लिए NCERT आती है, NCERT मतलब RS के लिए कर रहे हो तो राजस्थान बोर्ड की बुक्स भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। पर NCERT थोड़ा सा लेवल उनका ठीक है, और अगर आप राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन के साथ कैसे करें, जैसा मैंने अपन को ऊपर बताया, कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी इस बारे में मैं नहीं कह सकता आपको कि कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी, जो आपको मार्गदर्शन दे दे, आपकी गलतियां आपको बता दे, वो कोचिंग बेस्ट रहेगी। और आपकी पूरी चीज़ों को सिलेबस के हिसाब से नहीं, आपको दिमाग को यूँ तैयार कर दे एग्जाम के लिए आपको, और आपको फील आ जाएगा वाह वाह मजा आ गया, वो सब बढ़िया, वो बढ़िया है। RS तैयारी कैसे और कहाँ से शुरू की सब बता दिया मैंने। RS प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट आवश्यक है, सर जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपके बोलने उठने बैठने सब चीज़ें चेंज होती चली जाएगी, वो चीज़ें आपके रिफ्लेक्शन आपके बॉडी में आने लगता है जब आप पढ़ेंगे, तो सर ये स्किल डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इंटरव्यू में कुछ नहीं करना सर, इंटरव्यू इस बात की परीक्षा बिल्कुल नहीं है कि आपको क्या नॉलेज है, वो आपसे जाते ही आपको नॉर्मल करेंगे और आपसे पूछेंगे और कहाँ से आए हो, आप कहोगे सर भीलवाड़ा से आए, अरे भीलवाड़ा से कल बहुत बारिश थी क्या बात है, इस तरह से बात करेंगे वो। अच्छा कहाँ के रहने वाले हो सर, गाँव का हूँ। पिताजी क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, इस बार क्या बोया, अच्छा उसमें कौन सी खाद पड़ती है, फिर आपको पता होना चाहिए वो बातें। अच्छा आपको क्या पसंद है, क्रिकेट खेलना, और क्रिकेट के बारे में कहेंगे, अच्छा 84 का वर्ल्ड कप किसने, तो वो ये चीजों पे आपका, आप जिन चीजों पे उनको चलाना चाहते हो यार, आपकी आपकी बातों पे ही आपसे प्रश्न किए जाएंगे, इसलिए आप अपने आप को तैयार करें। मेरे से पूछा था, मेरा नाम कमल जी, उनका वो कमल जीत का मतलब क्या होता है, देवेंद्र सिंह जी जो उस समय RPSC के चेयरमैन थे उन्होंने पूछा था, तो मैंने लक्ष्मी जीतने वाला, तो उन्होंने अगला प्रश्न किया था, अच्छा आप लक्ष्मी को जीतने के लिए आना चाहते हो, मैं तो मेंटली प्रिपेयर था, तो मैंने कहा था हाँ सर वो राजस्व, राजस्थान सरकार के राजस्व संग्रहण के लिए लक्ष्मी को जीतना चाहता हूँ, ये बात मैंने कही थी। वो काफी इंप्रेस हुए थे, मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं दिए थे पर काफी उन्होंने थोड़ा सा हंसे भी थे उस समय। तो आप ये चीजें, आपके नाम तो आजकल जाता ही नहीं है, मगर आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, आप किस तरह से जवाब दे रहे हो, आप कैसे बैठे हो, आपके बोलने का क्या तरीका है, आप सबकी तरफ आपकी नजरें चल रही, क्वेश्चन एक जना पूछेगा मगर जवाब आपको सबको देना है, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो आपको फिर वापस चुप रह के उनकी बात को सुनना है,
और उनकी बात अगर वो गलत भी बोल रहे हैं तो आप कह सकते हैं सर मेरा ये व्यक्तिगत मत है, चूंकि आप अनुभवी हैं तो ये मैं नहीं कह सकता, मैं तो किताबों से पढ़ लिख के ही आया हूं, पर जीवन का वास्तविक अनुभव तो आपके पास है सर, तो आप सत्य हो सकते हैं। इस तरह से जब हम बात को रखेंगे तो ये बातें तो इंटरव्यू में पूछी जाती है कि आप कितने पोलाइट हैं, कितने, बस इंटरव्यू में और कुछ नहीं देखा जाता, इंटरव्यू में आपके ज्ञान का परीक्षण। लोग कहते हैं और मेरे को 6 क्वेश्चन पूछे, मैंने 6 के जवाब दे दिए, नंबर आ जाएंगे, नंबर नहीं आएंगे। नंबर तब आएंगे जब आपने आपको कुर्सी पे बैठने के लिए बोलेंगे, आपने कुर्सी को खींचा, कुर्सी बज रही है, ये चीजें देखी जाएगी, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इंटरव्यू केवल इसी बात का, आपके व्यक्तित्व का। इंटरव्यू की तैयारी 5 या 6 दिन का काम है, आप रेगुलर तैयारी करेंगे, बोलने का थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्वेश्चन नहीं आता कह दें सर माफ कीजिएगा सर मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, और बोल दीजिए साथ में सर आप थोड़ा सा बताएंगे क्या इस बारे में मुझे, ये बात तो वो कहेंगे हाँ मैं बता दूं, तो वो आंसर देंगे, तो इससे ये लगता है कि आप सीखना चाहते हैं, उनका सम्मान करेंगे, तो वो ये बातें उनकी पॉजिटिविटी, ये चीजें इंटरव्यू के अंदर, और कुछ नहीं है, नई कहानी कुछ नहीं है, ना तो कोई कोचिंग हो सकती है, ना कुछ हो सकता है इंटरव्यू का, इंटरव्यू के अंदर 4-5 चीजें ध्यान रखनी है आपकी, हो गई कोचिंग ही हो गई, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको इंटरव्यू में जो नंबर आने होंगे आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये इंटरव्यू की तैयारी अलग से कुछ नहीं है, ये प्री और मेंस की साथ में करो आप तैयारी, हो जाएगी, और उसके बाद में प्री और मेंस की साथ ही होती है, फिर प्री के लिए क्या स्ट्रेटेजी अलग हो जाएगी, जैसे प्री आएगा आप प्रीलिम्स फैक्ट तैयार करना चालू कर देंगे, वो ही पढ़ना उसी में से। मेंस के लिए क्या है, आप थोड़ा डिटेल में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ में चीजों को पढ़ेंगे, आंसर राइटिंग की शुरुआत आप अभी करो ही मत, मैं कह रहा हूँ आपको, कोई कहे कि आंसर राइटिंग करो तो उसको कहना सर ने मना किया हुआ, आप बोल देना आप और मेरी बात करा देना, सर मैंने 35 साल से इस पापड़ की तरह इन चीजों के अंदर से घुसा हूं मैं, और पूरे पापड़ ही बन गए हैं, इतना तो हो गया है, ठीक है। इंग्लिश डेवलपमेंट बता दीजिए, सब चीजें बता दी, पूरी तैयारी के लिए शॉर्ट कम से कम बुक, ये सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया है आपको, ठीक है। विषय ये कोचिंग, बाकी करीब करीब वही क्वेश्चन है, करंट अफेयर कितना पढ़ें, किस ईयर का, 1 साल का पढ़ लीजिए आप, 1 साल का कम से कम पता होना चाहिए, बेसिक आपको पता होना चाहिए किसी चीज के, विंबलडन खेल है तो उसमें कौन कौन से हैं, ग्रैंड स्लैम, ये वो, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये विंबलडन और ये वो, कौन कौन से गेम कब होते हैं, क्या होते हैं टूर्नामेंट, और ये जो करंट अफेयर से रिलेटेड उनको जोड़ के, जो पुराने ट्रॉफी वगैरह के बारे में, और ये सब चीजें आंसर राइटिंग डेवलप, ज्यादातर क्वेश्चन आंसर राइटिंग के बारे में, बच्चे यानी आप लोग, अच्छी बात है आप बहुत यूं क्रक्स के ऊपर जोर दे रहे हैं, आंसर राइटिंग की दावा कर रहा हूं मैं आपसे, आप तो तैयारी कीजिए, बस तैयारी कीजिए आप, आंसर राइटिंग अपने आप होगी, बस मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ आपको। प्री और मेन टेस्ट सीरीज के ज्वाइन करने का उपयुक्त समय क्या होना चाहिए, सोचिए मत अभी, अगर आपने कर लिया टेस्ट सीरीज नहीं, आप खुद क्वेश्चन निकालिए, टेस्ट सीरीज आप खुद की खुद लीजिए, मैं बताता हूँ आपको, यूपीएससी के पुराने पेपर निकालिए, करिए सॉल्व, खुद चेक कीजिए कि मैं कहाँ हूँ, आप सोचिए, सर कोई चेक करके आपको देगा ही नहीं, सर मैं कह रहा हूँ ना आपको, कोई चेक करके, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इतनी मेहनत करता ही नहीं कि आप टेस्ट सीरीज लेते हैं वो चेक कर देता है, नहीं करता नहीं चेक, वो एक बच्चे की कॉपी दूसरे को देते हैं, दूसरे की तीसरे को देते हैं, कोई मेरी तरह गोले लगा लगा के नहीं बताता कि सर ये यहाँ पे आप गलत हैं, इसको यहाँ से ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना, नहीं करता, वो इतने बच्चे हैं वो कर भी नहीं सकते, उनके पास इतना समय नहीं है, इसलिए टेस्ट आप खुद लीजिए और आप खुद अपने आप को चेक कीजिए। कठिन परिस्थिति में स्वयं को कैसे मजबूत बनाए, हम रास्ता ना भटके, ईश्वर का ध्यान, योगा, ईश्वर पर विश्वास करो ना, सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करो, आप जिस देवता को मानते हो उसको मानो, ईश्वर सब अच्छा करेगा, सब कुछ वही है, आंसर राइटिंग कैसे डेवलप करें वगैरह वगैरह। आरएस परीक्षा के लिए करंट अफेयर कितने समय, सब हो गया। इंटरव्यू के लिए मार्गदर्शन मैंने बता दिया आपको, इंटरव्यू के लिए अपने आप को डेवलप करें, अपने पिताजी क्या कर और आप क्या, आपकी हॉबी क्या है उसके बारे में, आपके गांव के बारे में, भीलवाड़ा के रहने वाले हैं तो शाहपुरा ये मेला ये वो फाड़ ये सब चीजें पूछी जाएगी, यहाँ पे कपड़े की फैक्ट्रियां ज्यादा क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है, चित्तौड़ ये भाई, यानी जितने भी चित्तौड़ के ऐतिहासिक संदर्भ है उन सबसे आपको क्वेश्चन, कोई से भी आप क्या सोचते हैं, आप क्या है चित्तौड़ के किले के बारे में कुछ भी पूछ लेंगे वो, तो आपको पूरा नॉलेज आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उस बारे में जाने, कम से कम समय में स्मार्ट तरीके से प्रथम प्रयास में अच्छी रहें, सोचिए मत ना, प्रथम प्रयास में अच्छी रैंक के साथ प्रशासनिक अधिकारी के, ईश्वर पे छोड़ दीजिए ना आप, तो तैयारी कीजिए ना, ईश्वर को जो करना होगा अच्छी तैयारी होगी तो अच्छी रैंक आएगी, अपना आप मत सोचिए, आप तो आईएएस आईबी कुछ नहीं सोचिए, आप तो सब्जेक्ट उठाइए, पॉलिटी तैयार कीजिए साइड में रखिए, ज्योग्राफी साइड में रखिए, पॉलिटी साइड में रखिए, इकोनॉमिक साइड में रखिए, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा, स्टार्टिंग कहाँ से करें बता दिया, वैकल्पिक विषय बता दिया,
लिमिटेड समय में नहीं होगा, लिमिटेड कोर्स में यूपीएससी क्रैक कैसे करें, सोर्सेज से, हाँ लिमिटेड सोर्सेज से, लिमिटेड सोर्सेज से ही करना है, सोर्सेज कम होने चाहिए आपके पास, इसलिए सोर्सेज, क्योंकि दुनिया में ज्ञान बहुत है, आपको यूट्यूब पे इतना ज्ञान, एक एक चीज़ के 10 PDF मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको बहुत कम चीज़ें पढ़नी है और बार बार पढ़नी है, और उन चीज़ों को आधार बना के आप तैयारी करोगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। मैं बता रहा हूँ, लोग ज़्यादा भटक जाते हैं, जैसे ही नया मैटर आता है वो किताब खरीद देते हैं, नहीं करंट अफेयर्स को कहाँ से कंप्लीट, हमने शुरुआत क्या पढ़कर करनी चाहिए, कितना समय, सजेशन अबाउट चूजिंग ऑप्शनल, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बता दिया मैंने, बैलेंसिंग अवर डेली रूटीन्स लाइक अदर स्टडीज और कॉलेज एग्जाम विद द प्रिपरेशन पार्ट, आप 4-5 घंटे रोज पढ़े ना अगर कॉलेज वगैरह जा भी रहे हैं तो। गाइडलाइन अबाउट रीडिंग एंड प्रिपेयरिंग द नोट्स फॉर करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स के नोट्स आप बना सकते हैं 1 लाइन टाइप, अगर कोई कॉन्सेप्चुअल है या कोई इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई बात है तो आप थोड़ा नक्शा वक्शा, ये नक्शों पे तो जोर आपको ज़्यादा देना ही पड़ेगा, तो मैपिंग आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए मैपिंग, तो मैपिंग पे जोर दें, और ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई चीज़ है, चाइना इंडिया हो गया या कोई और हो गया, इसराइल वगैरह हो गया, ये तो आपको पूरा पता होना चाहिए कौन सा कहाँ स्थित है, क्या है, क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, क्या किस तरह की ट्रीटी साइन हो रही है या किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर क्या बात हो रही है, उसके अलावा जो फैक्ट हैं, जो घटनाएं हो रही है उनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, और इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, इसके ऊपर जो करंट अफेयर होता है वो आपको थोड़ा सा और ध्यान से और ढंग से तैयार करना पड़ेगा, तो आप शॉर्ट नोट्स बना लें उसके ऊपर, 1 महीने का अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे 5-6 पेज के अंदर हो जाएगा, और उसको कंपाइल कर लें, और कंपाइल करके आप उसको तैयार करके अपने पास में रखें। रिविजन पार्ट बहुत जरूरी है, रिविजन बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने सर, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा ना उतना ही आपका, रिवीजन क्या है कि रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, ये अगर किसी को मैनेजमेंट आ गया तो वो फिर, यानी मैं क्या बताऊँ, रिवीजन कोई प्रॉपरली नहीं होता, 99.9% लोगों का रिवीजन मैनेजमेंट बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ होता है, बहुत गड़बड़ाया हुआ। मैं क्या करता था आपको बताता हूँ, मैं क्या करता था कि जब सब्जेक्ट पूरा हो जाता था, अगर उसके 50 पेज है तो उसमें से 25 पेज पढ़ता, दूसरे दिन 25 पेज से आगे बढ़ता, फिर 5 पेज और पढ़ता, तीसरे दिन जीरो से वापस चालू करता, 40 पेज पढ़ता, चौथे, यानी रोज 7 दिन तक एक चीज को उंगली फेरना, यानी चीजें दिमाग के गो थ्रू होनी चाहिए, और फिर बिना देखे लिखना, बिना देखे उसको लिखना, केवल रिटन प्रैक्टिस इसको कहिए आप, क्वेश्चन आंसर की नहीं, रिटन प्रैक्टिस कीजिए, आंसर राइटिंग मत कीजिए, रिटन प्रैक्टिस कीजिए, आंसर राइटिंग मत कीजिए, आंसर की मेंटल प्रैक्टिस कीजिए, लिख लीजिए ये बात दिमाग में, शायद आपको कोई बताएगा नहीं ये बात, आंसर क्वेश्चन देखें और मेंटल मैप बनाइए आंसर का कि मैं इसमें क्या क्या लिखूंगा, और रिटन प्रैक्टिस कीजिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मत कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसको बिना देखे लिखने का, रफ में लिखिए, बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर शुड वी एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम, बता दिया मैंने, व्हाट शुड बी द पैटर्न फॉर नोट्स मेकिंग, मैंने करीब करीब बता दिया, शॉर्ट में होने चाहिए, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको पता लगता जाएगा, एनसीईआरटी एक बार पढ़ने के बाद में थोड़ा पेपर उठाइए, पुराना पेपर उठाएंगे तो पेपर का पैटर्न पता चलेगा, आपको चीजें समझ में आएगी कि क्या चीजें काम की और क्या काम की नहीं है, और जहां कंसेप्ट आएगा पकड़ लेने कि ये चीज यहाँ पे आ रही है तो इसको कंसेप्ट को यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकाल के और इसको समझना है, तो समझने की चीजें ज्यादा है, फैक्चुअल चीजें किसी को भी याद नहीं रहती सब चीजें, तो फैक्चुअल में गलती हो जाती है, एक सीमा तक ही हम तैयार कर सकते हैं, बाकी आप जहां पे कंसेप्ट आए उनको ठीक से तैयार करें। हाउ कैन वी मैनेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑल नेगेटिविटीज एंड फील मोटिवेटेड एंड एनकरेजिंग, इसके लिए तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ इसके लिए ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है कि हम नेगेटिविटी से कैसे दूर रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बच्ची जो भी है मनीषा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप बाहर जाएंगे और आपको लोग कलेक्टर साहब कह के बुलाना चालू करेंगे, बड़ी हालत खराब हो जाएगी, आप तो पढ़िए, आप नेगेटिविटी से बिल्कुल, मेरी बात को यकीन करना, मैं क्लास में बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ ये बात, कि आपने अगर ये यकीन कर लिया कि हो सकता है, आप सब आप लोग पहले कर चुके हैं और अब भी हो जाएगा, और जो कर चुके हैं उन सबको, मैं मेरे साथ वाले कई लोग अब सेक्रेटरी लेवल से ऊपर पहुंच गए हैं, तो मेरे को पता है, हम क्यों नहीं हो पाए यूपीएससी, हम कहां था इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद क्यों नहीं हो पाए, 28 साल में तैयारी चालू की और 30 साल में ओवरेज हो गए, अब ये दोष उसको नहीं दे सकते आप, मगर ये लगता है कि अगर पहले चेज जाती और ये सब चीजें पता होती उस समय कोई कोचिंग नहीं होती थी। ओके, व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू नॉट रीड फ्रॉम एनसीईआरटी बुक मैंने बता दिया, व्हाट शुड बी पैटर्न ऑफ नोट्स मेकिंग बता दिया, हाउ कैन वी मैनेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑल नेगेटिविटी एंड फील मोटिवेटेड एंड एनकरेजिंग,
ठीक है सर, बस कभी आप थक जाए कर जाए, अच्छा संगीत सुनिए, अपने आप को अपने माता पिता अपने उनसे, हमारे यहाँ पे एक बच्ची है, मैं आपको बताता हूँ, पलक, पलक जैन, वो बच्ची आप हमारी क्लास में किसी से पूछेंगे उसके बारे में, उसका पूरा परिवार उसको आईएएस बनाने में लगा हुआ है और बहुत पॉजिटिव है वो। पलक क्या है, 12-13 घंटे पढ़ती है और उसको यहाँ से मम्मी का फोन आता है, सर इसको कहिए ये पढ़ाई छोड़ दे, अब छोड़ दे। अब पलक को मैं डांट के कहता हूँ पलक किताबें रख और सो, तब पलक कहती यस सर सोती, यानी ये लेवल है। उसको हाथ जोड़ के समझाना पड़ता है कि बेटा इतना नहीं पढ़ना, आंखें कमजोर हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगी। और उसके जब 6 घंटे 8 घंटे होते हैं तो मम्मी उसकी एडवोकेट है, पापा बिजनेसमैन है, तो दोनों पास में बैठ जाते हैं, हाँ बेटा क्या पढ़ के आई है, मैं तेरे को याद करा देता हूँ, देख रिविजन मैं कराता हूँ, कभी मम्मी बैठती है कभी पापा बैठते हैं, इन्हें पूरा कर, एक ही बच्ची है, एक ही बच्ची है उसका, यानी ऐसे बच्चे काफी हैं जिनमें अलग अलग लक्षण हैं, अलग अलग गुण हैं, किसी में क्या गुण है, किसी में क्या गुण है, किसी में क्या गुण है, कई तरह के बच्चे हैं। अब उस बच्ची को कौन रोक सकता है, कोई रोक सकता है नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको 3 साल बाद आप देख लेना वो कहाँ पहुंचेगी। और वैसे स्टूडियस से शुरू से ही कॉन्सेप्चुअली भी बात काफी साउंड है, और अभी वो उसका सेकेंड ईयर है, अभी सेकेंड ईयर में है, 18-19 की अब हुई है, तो अभी 3 साल एग्जाम देने में ही बाकी है, तो 4 साल तक वो मेरे पास रहेगी रेगुलर। विच बुक्स और कोचिंग मटेरियल वुड बी द बेटर फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए बहुत मैटर है, और कोचिंग मटेरियल पे मत जाइए आप अभी, है ना, कोचिंग मटेरियल में काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब खराब ही होती हैं, अच्छी हैं, है ना, ये कोचिंग मटेरियल के अंदर कभी कोई चीज़ किसकी अच्छी है, कोई चीज़ किसकी अच्छी है, ऐसा सब चीज़ें एक ही जगह की अच्छी नहीं होती, कहीं भी चीज़ें कहीं की अच्छी है, तो ये अलग अलग चीज़ें कहीं से कुछ मिल जाता है तो वो पता लग जाता है आपको, आप जब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ज़्यादातर चीज़ें आपको रेफरेंस बुक में, अच्छी बुक्स में मिल जाएंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मटेरियल में अलग अलग मिलेंगी, वो बाद में आपकी मिल जाएंगी आपको, एक बार आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए, है ना, ये एक तरह का, ये अपन घर में कलर नहीं कराते, डिस्टेंबर और ऑयल पेंट कराते हैं, मैं उसी तरीके से लेता हूँ इस एग्जाम की तैयारी को। सबसे पहले क्या होता है, रेतमाल घिस के साफ करना पड़ता है घर को, और उसके बाद में पहले वो कौन सा वाइट वाश टाइप का हाथ होता है, फिर सेकंड राउंड होता है, फिर थर्ड राउंड होता है, तैयारी भी इसी तरह से होती है, जैसे जैसे तैयारी का चरण बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी डेप्थ जो होती है वो बढ़ती जाती है और मेच्योरिटी का लेवल भी बढ़ता जाता है, इस तरीके से तैयारी होती है। विच बुक फॉर कोचिंग मटेरियल वुड बी द बेटर फॉर इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम में काफी बुक्स हैं पॉलिटी वगैरह के लिए, सबके लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए सब, वो हिंदी मीडियम भी आती है, इंग्लिश मीडियम में भी आती है, तो करीब करीब बुक सेम सी है, सेम ही है। स्किल नीडेड फॉर द इंटरव्यू, स्किल मैंने बता दिया आपको, स्किल मैंने बता दिया, आपका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, है ना, पर्सनैलिटी, आपकी लॉयल्टी, आपकी पर्सनैलिटी, एम्पैथी, आपको लगना चाहिए उनको।